नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन मान और स्वागत है आपका न्यूज 21 में। आज हम बात करने जा रहे हैं महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की। महाभारत का युद्ध जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था और जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि महाभारत का युद्ध पांडव जीतने के बावजूद भी हार गए थे, क्योंकि इस युद्ध में पांडवों ने अपने सभी पुत्रों को गवा दिया था। इसकी वजह थी उनके द्वारा गुरु द्रोण के साथ किया गया छल और छल से की गई गुरु द्रोण की हत्या। कैसे हुई गुरु द्रोण की हत्या, क्या छल हुआ था उनके साथ और क्यों अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी पुत्रों को मार दिया था, जानते हैं महाभारत की इस पूरी घटना को। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद 11वें दिन कर्ण के कहने पर गुरु द्रोण को सेनापति बनाया जाता है। इससे पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। उनको लगा कि पिता पुत्र मिलकर पांडवों की हार सुनिश्चित कर देंगे। पांडवों की हार होते हुए देखकर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत ये बात फैलानी थी कि अश्वत्थामा मारा गया ताकि पुत्र मोह में आकर गुरु द्रोण निहत्ते हो जाए। लेकिन कृष्ण को एक बात पता थी कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज युधिष्ठिर थे। तो उन्होंने भीम से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और ये अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि गुरु द्रोण ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा खुद की थी। जब उन्होंने अर्जुन को इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी थी तो उनका पुत्र कम कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर की बात पर यकीन करूंगा। अगर वो कहते हैं कि मेरा पुत्र मारा गया तो मैं मान लूंगा। उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया। अब कृष्ण तो पहले से ही जानते थे कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने सबको कहा कि जब मैं इशारा करूं तो शंखनाद शुरू कर देना, जिससे शोर हो और गुरु द्रोण पूरी बात सुन नहीं पाए। अब जैसे ही गुरु द्रोण ने पूछा कि बताओ धर्मराज युधिष्ठिर, मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने जैसे ही बोलना शुरू किया कि गुरु द्रोण अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने लेकिन बोला, इतने में ही श्री कृष्ण के इशारे पर शंखनाद शुरू हो गया और गुरु आगे की बात नहीं सुन पाए। तो युधिष्ठिर ने लेकिन के बाद जो बोला था वो ये था कि लेकिन वो आपका पुत्र अश्वत्थामा नहीं था, वो हाथी था। अब चूंकि गुरु द्रोण ने पूरी बात नहीं सुनी थी तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए पुत्र मोह में आकर। इसीलिए कहा जाता है कि हमें लेकिन और मगर के बाद की जो बात है वो जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि असल बात लेकिन के बाद ही छुपी होती है। असल बात लेकिन और मगर के बाद ही सच्चाई देती है, तो उसको सुनना जरूर चाहिए। द्रोणाचार्य को निहत्ता देकर द्रौपदी के भाई ने उनकी हत्या कर दी। इस बात का पता जब अश्वत्थामा को चला कि किस प्रकार से छल से उनके पिता को मार दिया गया, तो उन्होंने इसका बदला लेने का प्रण लिया और द्रौपदी के सभी पुत्रों को, जब वे सोए हुए थे उस समय, उनका वध कर दिया। तो ये थी महाभारत की वो घटना जो ये बताती है कि क्यों पांडव जीतने के बाद भी महाभारत का युद्ध हार गए थे। इस तरह की और आध्यात्मिक रोचक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 21। धन्यवाद।